ये मोहब्बत मामूली शय नहीं है मेरे भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करेगा कल कयामत के दिन उसको उसी के साथ उठाया जाएगा। गौसे आजम की 11वीं मनाने वालों, गौसे आजम के नाम पर जुलूस निकालने वालों, गौसे आजम के नाम पर लंगर लुटाने वालों, गौसे आजम के नाम के नारे लगाने वालों, गौसे आजम के नाम पर महफिलें सजाने वालों, ये सब कुछ कर करा के तुम गौसे आजम की मोहब्बत का सबूत देते हो। और अगर अल्लाह ने ये मोहब्बत करना कबूल कर लिया तो तुम कितने ही निकम्मे नाकारे क्यों ना हो, अल्लाह अल्लाह महबूब के फरमान के सदके कयामत में गौसे आजम के कदमों में जगह अता फरमाएगा। और जिसको कयामत में गौसे आजम के कदमों में जगह मिल गई फिर उसको किसी और के सहारे की जरूरत नहीं होगी। इसलिए उस्तादे जमन मौलाना हसन रजा फरमाते हैं, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपाओ, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपाओ। तो मेरे प्यारे आका के पैदवानों, गौसे आजम की मोहब्बत कयामत में उनके दामन करम में जगह पाने का सबब बनेगी इंशाअल्लाह। और गौसे आजम क्या फरमाते जानते हो, गौसे आजम तो फरमाते मेरा मुरीद उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि अल्लाह उसे गुनाहों पर तौबा की तौफीक ना अता फरमा दे। और मोहब्बत से कहें, गौसे आजम फरमाते मेरा मुरीद उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि अल्लाह गुनाहों पर तौबा की तौफीक न दे दे। अब जानते यहां पर यकीन जाने कि जो गौसे आजम से सच्ची अकीदत रखने वाला होगा रब यकीनन गौसे आजम के फरमान के सदके उस बंदे को मौत आने से पहले जरूर तौबा की तौफीक अता फरमाएगा। इसलिए तो मेरे इमाम ने कहा जब इतना गौसे आजम की गुलामी में इतना बड़ा इनाम है तो फरमाते कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते।